न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर स्टेशन पर मिला विस्फोटक से भरा बैग, 40 जिलेटिन की छड़ी मिली, बमशोधक दस्ते ने लिया कब्जे में। मोहाली इंटेलिजेंस ऑफिस में ब्लास्ट, आसपास के इलाके की गई घेराबंदी। और नागपुर में येलो अलर्ट हुआ बेअसर, 12 तक की चेतावनी हुई थी जारी, पारा 43.1 डिग्री पर। अब खबरें विस्तार से। संवेदनशील माने जाने वाले नागपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार की शाम जिलेटिन विस्फोटक से भरा हुआ एक लावारिस बैग मिला। बैग में करीब 40 जिलेटिन की छड़े पाई गई। जल्द ही बमशोधक दल ने इन घातक छड़ों को अपने कब्जे में लेकर वहां से हटा लिया। रेलवे स्टेशन पर अचानक बमशोधक पथकों व ATS की टीम की मौजूदगी के बाद यहां मौजूद यात्री सकते में पड़ गए। सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे किसी ने GRP की PI को ट्रैफिक बूथ के पीछे एक लावारिस बैग पड़ा होने की जानकारी दी थी। इस सूचना के बाद रेलवे के डॉग स्क्वाड के जरिए इसकी जांच की गई। इसमें श्वान ने विस्फोटक होने का संकेत दिया। इसके बाद सिटी पुलिस का बमशोधक दल पहुंचा और जांच के बाद जिलेटिन से भरा बैग सुरक्षित रूप से वहां से हटाया। बताया गया है कि ये जिलेटिन अमूमन कुएं की खुदाई के लिए विस्फोट करने में काम में आता है। ट्रेनों से विस्फोटक अथवा ज्वलनशील पदार्थ के परिवहन पर पाबंदी है। खैर, बैग स्टेशन के बाहरी परिसर में लावारिस अवस्था में मिला, इसीलिए कई पहलू स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। सूत्रों के अनुसार ये बैग जहां मिला वहां तक CCTV कैमरे की रेंज भी नहीं है। यही वजह है कि देर रात तक यहां पता नहीं चल पाया कि आखिर ये बैग यहां कौन छोड़ गया। इसके बाद पुलिस व एंटी टेररिस्ट स्क्वाड घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ करता रहा। इस घटना ने रेलवे स्टेशन जैसी महत्वपूर्ण जगह पर CCTV लगाने में कंजूसी की कलई खोल दी है। नवाबपुरा में 8 से 15 दिन से दूषित पानी की समस्या थी। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड संयोजक श्री श्यामजी चांदेकर को 1 मई की रात को सूचित करते हुए 2 तारीख की सुबह कार्यालय को सूचित किया गया और जल समस्या का तत्काल समाधान करने और दूषित पानी के बहाव को रोकने के लिए OCW कार्यालय को सूचित किया। OCW ने फौरन मामले को सुलझा लिया और सुबह 7 बजे नल से साफ पानी आते देख लोग खुश हो गए। मी दिगंबर बुआ नाईक, नवापुरा माता मंदिर जो राहतो। गेल्या 8 दिवसापासून पाण्याची समस्या होती, खूप गढूळ पाणी येत होतं। OCW च्या कार्यकर्त्यांना आम्ही तसं कळवलं आणि आमचे कार्यकर्ते आहे श्यामजी चांदेकर, आशिष भुते, त्याच्यानंतर कठाळे, हरिभाऊ ढोरे या मंडळींनी या ठिकाणी येऊन जातीने लक्ष देऊन आता ती समस्या दूर झाली आहे। पण माझी OCW च्या कार्यकर्त्यांना एक विनंती आहे की हे 2-3 महिन्यानंतर पुन्हा ही समस्या निर्माण होते, त्याचं कायम काही सोल्युशन काढता येईल का? पाईपलाईन बदलवून म्हणा किंवा ज्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम 4-5 महिन्यांनी पुन्हा क्रिएट होतो, हा प्रॉब्लेम झाला नाही पाहिजे। कारण पाण्यामुळे बरं पाण्याशिवाय काहीच होत नाही। या भागात विहीर किंवा कुठलंही पाण्याचं साधन नसल्यामुळे 1-2 दिवस जरी नळ नाही आला, 1 दिवस जरी नळ नाही आला तरी समस्या निर्माण होते। बरं टँकर येतात ते रस्त्यावर येतात, गल्लीतले लोक तिथे रस्त्यावर जाऊन काही पाणी आणू शकत नाही। तेव्हा OCW च्या कार्यकर्त्यांना माझी नम्र विनंती आहे की कायम याचं काहीतरी बंदोबस्त करावा। या भागामध्ये गेल्या 8 दिवसापासून म्हणजे 30 तारखेच्या आधी, समजा 25-26 तारखेपासून नळाला गळूळ पाणी, गटराचं पाणी लागलेलं होतं। ती समस्या गेल्या 8 दिवसापासून या भागामध्ये होती। मला एक काही 30 तारखेला इथल्या काही कार्यकर्त्यांचा फोन आला की आमच्या भागामध्ये गळूळ पाणी येतो आहे, गटराला नळाला गटराचं पाणी लागलेलं आहे, तर तुम्ही येऊन बघा आणि काय करता येईल ते पहा। आम्ही त्या दिवशी सगळेजण इथे आलो, लोकांसोबत भेटलो, लोकांशी बोललो, OCW च्या पदाधिकाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना इथे बोलवलं, त्यांचा दौरा आम्ही केला आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की आजच्या आज ही समस्या सॉल्व झाली पाहिजे, नाही तर उद्यापासून भारतीय जनता पार्टी तुमच्या विरोधात आंदोलन सुरू करेल। आमच्या शब्दाला OCW च्या अधिकाऱ्यांनी मान दिला आणि त्या दिवशी त्यांचे सगळे कर्मचारी इथे त्यांनी भिडवले आणि रात्रीपर्यंत त्यांनी हा सगळा प्रॉब्लेम, ही समस्या त्या दिवशी रात्री त्यांनी दूर केली। म्हणजे रात्री जो इथे 8 वाजता पाणी आला येतो तो पाणी त्या दिवशी एकदम स्वच्छ पाणी त्या दिवशी रात्री या भागामध्ये आला। ही समस्या होती, ती समस्या दुरुस्त पण झाली। परंतु या भागामध्ये एक समाजसेवक आहे, तो समाजसेवक काम काहीच करत नाही,
परंतु लोकांच्या समस्या खराब कशा करायच्या हे मात्र त्याला नक्कीच माहिती आहे। आज ही समस्या दूर होऊन जवळजवळ 5 ते 6 दिवस झाले, पण अजूनही त्यांचा पेपरमध्ये बातम्या देणं सुरूच आहे की नवापुराला काळ्या पाण्याची शिक्षा। अहो, काळ्या पाण्याची शिक्षा म्हणजे काय? तुम्हाला माहिती आहे का काळ्या पाण्याची शिक्षा या देशात कोणाला झालेली होती? या देशामध्ये स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांना काळ्या पाण्याची शिक्षा झाली होती। या देशासाठी, देशाला स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून ते लढले, म्हणून इंग्रजांनी त्यांना काळ्या पाण्याची शिक्षा दिली होती। आणि तो शब्द आपण इथे वापरतो याची लाजसुद्धा या समाजसेवकांना वाटत नाही। गेल्या 5 वर्षापासून हे समाजसेवक कुठेही दिसत नव्हते, 5 वर्ष हे नागोबांच्या बिड्यामध्ये लपलेले होते, परंतु जसंही निवडणूक डिक्लेअर झाली या समाजसेवकांना लोकांची सेवा आठवली आणि या समाजसेवा करायला बाहेर निघाले। करावं यांच्या समाजसेवाला आमच्या शुभेच्छा आहे, यांनी नेहमी समाजसेवा करावी, पण समाजसेवेच्या आळमध्ये हे जे राजकारण करतात ते यांनी करू नये। लोकांच्या समस्या कशा सुटतील याच्यासाठी यांनी प्रयत्न करावा, लोकांच्या समस्येवर यांनी राजकारण करू नये। म्हणून आम्ही या तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून मी या समाजसेवकाला सांगू इच्छितो की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये लोक तुम्हाला तुमची जागा नक्कीच दाखवेल, परंतु जर का तुम्ही समाजसेवेच्या नावाने जर का तुम्ही राजकारण केलं तर तुम्हाला तुमची जागा भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा नक्कीच दाखवेल, हे या समाजसेवकांनी लक्षात ठेवावं। एवढं मी ह्या तुमच्या टी व्ही चॅनलच्या माध्यमातून त्यांना सूचना देऊ इच्छितो। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण। मोहाली के सोहाना में इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में धमाका हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि यह धमाका रॉकेट जैसी चीज के टकराने के बाद हुआ है। पुलिस का कहना है कि यह एक छोटा धमाका था। घटना की जांच जारी है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी धमाके की रिपोर्ट मांगी है। मोहाली के सोहाना में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में धमाका हुआ है। यह मामला सोमवार शाम 7:30 बजे हुआ। हादसा इतना भयानक था कि पूरी बिल्डिंग के शीशे टूट गए। लोगों ने बताया कि इस विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। मौके पर एसएसपी आईजी समेत कई अधिकारी पहुंच गए। इस विस्फोट में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। विस्फोट की घटना पंजाब खुफिया कार्यालय की 3री मंजिल पर हुई। बताया जा रहा है कि रॉकेट चलने वाला ग्रेनेड इमारत की 3री मंजिल पर फेंका गया था। विस्फोट के बाद इमारत के शीशे टूट गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया है। फॉरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है। मोहाली एसपी रविंद्र पाल सिंह ने कहा है कि मामूली धमाका है, हमला इमारत के बाहर से हुआ, इसे रॉकेट टाइप फायर से किया गया है, कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल टीम इसकी जांच कर रही है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मुंबई में बांद्रा पश्चिम के बैंडस्टैंड स्थित रोड पर बने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास एक 21 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। जानकारी के मुताबिक आग इमारत की 14वीं मंजिल पर लगी थी और इसके आसपास के फ्लोर को भी अपनी चपेट में ले लिया। फायर ऑफिसर्स ने आग को लेवल 2 यानी खतरनाक कैटेगरी की बताया है। नागपुर में आगामी 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी कर हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई थी, लेकिन अलर्ट की हवा सोमवार को ही निकल गई। अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, महज 0.1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग की तरफ से चेताया गया था कि पारा 45 व उससे ऊपर जा सकता है। 12 मई तक यही स्थिति बताई गई थी। सोमवार को मौसम विभाग की तरफ से जारी अभिलेख में साफ कर दिया गया है कि नागपुर के आसमान में बादल छाए रहेंगे और पारा 43 से 44 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। मौसम जानकारों की माने तो बंगाल की खाड़ी में तैयार हुए साइक्लोनिक स्ट्रोम असानी की वजह से ही मध्य भारत में अलर्ट फेल हो गया। बंगाल की खाड़ी में होने वाली हलचल का सीधा असर विदर्भ व आसपास के हिस्सों पर पड़ता है। नागपुर में हल्के बादलों का डेरा बना हुआ है। 45.8 डिग्री के साथ अकोला सबसे गर्म रहा। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार और जमानत पर रिहा राणा दंपति की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। अवैध निर्माण के संदेह में जांच करने पहुंची बीएमसी टीम को उनके घर में कई अनधिकृत निर्माण मिले हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि नवनीत राणा और रवि राणा को आज नोटिस भेजा जा सकता है। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने सोमवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की है। आज वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घर की जांच के बाद बीएमसी अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आज की होने वाली जांच हो गई है, अब हम अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा कि क्या एक्शन लेना है। हनुमान चालीसा विवाद में मुंबई पुलिस आज फिर से राणा दंपति को पूछताछ के लिए नोटिस दे सकता है, हालांकि दोनों दिल्ली में ही है। सत्र न्यायालय ने राणा दंपति को सशर्त जमानत दी थी। इसमें यह भी कहा गया है कि पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर राणा दंपति को थाने में मौजूद रहना होगा। अगर पुलिस राणा दंपति को पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है तो उन्हें 24 घंटे का नोटिस देना होगा। जेल से छूटने के बाद राणा सीधे लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। इस दौरान उनके कई टेस्ट किए गए थे, जिसमें एमआरआई टेस्ट भी शामिल था। इसी टेस्ट के दौरान किसी ने उनकी तस्वीरें क्लिक की थी। अब उन तस्वीरों के कारण ही विवाद हो रहा है। महापौर किशोरी पेडणेकर ने लीलावती अस्पताल से सवाल पूछा है कि जब नियम के मुताबिक अस्पताल के अंदर एमआरआई रूम में किसी भी प्रकार का तस्वीर निकालने और धातुजन्य चीजें लेकर जाने की मनाही होती है, तो फिर वहां मोबाइल फोन लेकर कौन गया था। वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।